अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों रिसेंटली मैंने वन प्लस के चार्जर्स के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी, जिसके अंदर हमारे पास वन प्लस का मैकलरन एडिशन का आता था चार्जर, वन प्लस का 30 वॉट का चार्जर आता था, वन प्लस का 65-67 वॉट, वन प्लस का 80 और यहाँ तक कि वन प्लस का 100 वॉट का अडाप्टर भी हम लोगों ने आप लोग के लिए अवेलेबल यहाँ पे किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं वन प्लस के 65 वॉट के अडाप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसको हम लोगों ने आप लोग के लिए अवेलेबल किया है। बहुत सारे लोग जो हैं जब 65 वॉट का अडाप्टर मांगते थे तो हम उसको जो है 67 वॉट का सुपर वूका अडाप्टर यहाँ पे प्रोवाइड करते थे। इसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तानी मार्केट के इस टाइम हालात इस तरह के हैं कि इंपोर्ट बंद होने की वजह से आपको 65 वॉट का ओरिजिनल अडाप्टर ही कहीं से नहीं मिलता। मार्केट के अंदर जितने भी अडाप्टर आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे कॉपी हैं, क्लोन हैं, ए प्लस हैं, कोई भी आपको ओरिजिनल अडाप्टर जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो मैं भी फ्रेंकली अपने कस्टमर्स के साथ कह देता था कि भाई वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कि अगर किसी को कॉपी लेना है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन 67 वॉट का हम लोग यहाँ पे अवेलेबल कर रहे थे लोगों को। लेकिन अब जो है हम लोगों ने यहाँ पे अवेलेबल कर लिया है वन प्लस का 65 वॉट का ओरिजिनल अडाप्टर, और यहाँ पे हम इसके साथ केबल भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये अडाप्टर कौन सा है, कहाँ से आया है, सारी चीज़ें आगे चल के डिटेल में बताऊँगा, और इसको मैं बाकायदा तौर पर टेस्ट भी कर चुका हूँ अपने फ़ोन के साथ। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप 65 वॉट का ओरिजिनल 200% मैं कहूँगा अगर आप लेना चाह रहे हैं तो भाई इस वीडियो के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं इसको चेकआउट, इसकी क्वालिटी आप लोग को चेक करवाता हूँ और सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आज भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली कोई भी जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। तो बात सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई ये चार्जर कौन सा है। अब ये जो चार्जर है दोस्तों वन प्लस का ओरिजिनल 65 वॉट का अडाप्टर है, और ये अडाप्टर जो है भाई इंडियन वेरिएंट का है। आप लोगों को पता है ग्लोबल के अंदर वन प्लस कई मुल्कों के अंदर अपने स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। यूएस वाला चार्जर आता है, यहाँ पे यूके वाला चार्जर आता है, यहाँ पे ईयू प्लग वाला आता है, चाइना वेरिएंट वाला आता है। इंडिया में जो है वन प्लस का अलहदा से यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ पे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता है वन प्लस, तो उधर के लिए भाई आपको चार्जर भी ओरिजिनल वन प्लस का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चार्जर जो है अवेलेबल हो चुका है, ये इंडियन वेरिएंट का चार्जर है और ये 210% यहाँ पे ओरिजिनल चार्जर है। इसको बकायदा तौर पे मैंने टेस्ट किया है और ये कितनी देर में आपके फ़ोन को बैटरी आपके फ़ोन की बैटरी को चार्ज करेगा और ये किन किन फ़ोन्स को सपोर्ट करेगा आगे चल के आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चार्जर की तरफ देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको कुछ ये स्क्वायर टाइप की शेप के अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट पर आपको वाप चार्ज 65 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, यहाँ ऊपर की तरफ आपको USB टाइप ए की पोर्ट देखने को मिलती है, साथ में ऊपर की तरफ आपको वन प्लस का लोगो देखने को मिलता है। ये लोकलाइज्ड पिन के अंदर आता है गोल्ड पिन, क्योंकि ये हमारे एशिया के एक कंट्री से आया हुआ है, इंडिया से, तो भाई आपको ये लोकलाइज्ड पिन के अंदर देखने को मिलता है। और भाई ये जो चार्जर है बिल्ड क्वालिटी वाइज भाई टॉप नॉच है। मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया जैसे मुल्क से ऐसी चीज़ भी बन के आ सकती है। तो अभी क्वालिटी के अंदर यहाँ पे किसी भी किस्म का इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पे साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेटिंग्स वगैरह को मेंशन किया गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्विचिंग पावर सप्लाई, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, नीचे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इनपुट लिखी हुई है और यहाँ पे आउटपुट लिखी हुई है 60.6.5 एम्पीयर मैक्स फॉर वाप चार्ज 65। यानी कि अगर आप इसको वन प्लस के साथ लगाते हैं तो ये 65 वाट की मैक्स पावर जो है सपोर्ट करता है। और नीचे की तरफ आपको भाई यहाँ पे एक इंडियन वेबसाइट का नेम भी देखने को मिलता है, www.bis.gov.in। IN का मतलब ये इंडियन वेरिएंट का है। और भाई ये जो चार्जर है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि भाई ये आपके फ़ोन को जो है चार्ज कितनी देर में करता है। आज के दिन मैंने इसको स्पेशली चार्ज किया है, बड़े ही मार मार के जो है 4% तक अपने फ़ोन की बैटरी को लेके गया, क्योंकि आप लोग के लिए इस फ़ोन इस चार्जर को जो है मैंने चेकआउट करना था। तो भाई अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, ये आपको 40 मिनट के अंदर एक्यूरेटली 4-200% यहाँ पे बैटरी चार्ज करके दे देता है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा कि कंपनी तो भाई 35 मिनट का यहाँ पर क्लेम करती है, तो भाई यहाँ पे आप लोग को क्लियर करना चाहूँगा। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आई कार्ड में आ रही होगी, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो है उसको भी देख सकते हो। सस्ती सी बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वन प्लस एक ऐसी कंपनी है जो कि इस टाइम पे फास्टेस्ट
जो हैं चार्जिंग स्पीड्स प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 35 मिनट के अंदर कंपनी क्लेम कर रही है, तो भाई 35 मिनट के अंदर वो जो क्लेम कर रहे होते हैं उसके अंदर बहुत सारी रीजन होती हैं। एक तो फ़ोन बिल्कुल एम्प्टी होता है, उसके अंदर किसी भी किस्म का डाटा नहीं होता, किसी भी किस्म की उसके अंदर सिम नहीं चल रही होती, कोई 4G नेटवर्क नहीं चल रहा होता और फ़ोन को वो स्विच ऑफ करके चार्ज कर रहे होते हैं। और पांचवी चीज़ जो है, फ़ोन जो है भाई यहाँ पे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होता है, यानी कि वहाँ पे एसी वगैरह लगे होते हैं, फ़ोन को एक कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है, उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है, तो वो 35 मिनट के अंदर यहाँ पे चार्ज करता है। तो भाई आज जो यहाँ हमारे मेरे इलाके में जो टेम्परेचर था दिन का, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर किस्म का था, तो मैंने इसको टेस्ट आउट किया है, तो इसने 40 मिनट्स के अंदर इसको 4 to 100% यहाँ पे चार्ज किया है, जो कि अनबिलीवेबल है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चार्जर्स आए हैं लेकिन इतनी स्पीड्स कोई भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता। मैंने पास ये सुपर वो का 67 वॉट का भी है, तो ये भी 1-2-3 मिनट या 5 मिनट ऊपर ले जाता है, लेकिन ये वाला जो चार्जर है 1+65 वॉट वाला जो वाप चार्जर अब हमारे पास आया है, ये पूरे 40 मिनट्स के अंदर करता है। और ये विदाउट एसी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर या ठंडे टाइम के अंदर लगाएंगे तो ये 35 मिनट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। अगर आप इस चार्जर की बात करते हैं तो भाई इस चार्जर की जो प्राइस है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में इस टाइम पे मार्केट की जो सूरत हाल है, जो भी नई चीज़ आती है उसकी प्राइसिंग यहाँ पे बढ़ी हुई होती हैं, तो अब इसकी जो प्राइस है वो आपको 5,000 रुपीज़ देखने को मिलती है। और इसके साथ हम जो केबल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो 8 एम्पेयर यानी कि 80 वॉट वाली प्रोवाइड कर रहे हैं। ये केबल भी थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इस केबल को लेने का फ़ायदा ये है कि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी 80 वॉट का अडाप्टर इसके साथ लगाते हैं तो ये केबल आप लोग के काम में आएगी, आपको इशू नहीं आएगा। बाकी इस चार्जर के बारे में आप लोग के क्या थिंकिंग है मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरा जो इसका एनालिसिस है वो 100% एक्यूरेट है। अगर कोई बंदा कहेगा इसका डेडिकेटेड चार्जिंग टेस्ट भी लेके आओ, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी लेके आऊँगा और एक शर्त पर लेके आऊँगा कि आप लोगों ने इसके ऊपर लाइक्स कम अज़ कम 1000 करने हैं और कमेंट्स भी आप लोगों ने करने हैं, तो तब मैं इसका वीडियो जो है लेके आऊँगा चार्जिंग टेस्ट का। तो होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई बंदा इस चार्जर को परचेस करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर और यहाँ पे भी स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर चलते नज़र आ रहे होंगे, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अब हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी अवेलेबल हैं, आप हमें वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और माली दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।